बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आज का जो लेक्चर है ये छोटा सा है, लेकिन इसमें दो बहुत इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ डिस्कस करने हैं। और एक आइडिया है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का और एक आइडिया है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखिएगा कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को हम लिखेंगे शॉर्ट में IVP, ठीक है। अब हमने ये डिस्कस करना है कि ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर डेफिनेशन के बाद जो है हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है जी। तो डेफिनेशन, अच्छा जी, डिफरेंशियल इक्वेशन, सिस्टम की बात नहीं कर रहे, ठीक है। अभी हम सिर्फ एक सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन along with side condition। अच्छा, ये जो s है ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। इसका मतलब ये होता है कि एक कंडीशन भी दी जा सकती है और एक से ज़्यादा भी दी जा सकती है, ठीक है। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और जो कंडीशंस दी होंगी कुछ, वो एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इफ ऑल दी साइड कंडीशंस आर डिफाइंड एट सिंगल वैल्यू या सिंगल वैल्यू की जगह आप अगर लिख दें यूनिक वैल्यू ब्रेकेट भी हटा दें। इफ ऑल द साइड कंडीशन आर डिफाइंड एट यूनिक वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये जो बातें हमने लिखी है ना, इसको समझने के लिए हमें क्या चाहिए जी? इन सारों बातों को समझने के लिए डेफिनेटली हमें एग्जांपल्स चाहिए। तो इसको हम एग्जांपल से समझेंगे कि क्या मतलब होता है जी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का। और जब हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम समझ आ जाएगा तो फिर हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। और जब आपको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम समझ आ जाएगा तो ये आइडिया बहुत क्लियर हो जाएगा कि क्या मतलब है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का। अच्छा जी, एग्जांपल्स लेते हैं और कुछ यहाँ पे मैं छोटे छोटे नोट भी लिखूँगा और आपने उनको नोट करना है, ठीक है, अच्छे से। पहले देखें जी एग्जांपल, एग्जांपल नंबर वन। अच्छा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी हुई है, देखें वाई डबल प्राइम माइनस 4y इज इक्वल टू 12x, ठीक है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और साथ में कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, वो भी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। एक कंडीशन दी हुई है कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 4, ठीक है, और दूसरी कंडीशन दी हुई है y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1। अब इसको समझने की कोशिश करें कि इसका क्या मतलब है। देखें, इस कंडीशन का मतलब ये है कि ये वैल्यू है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की यानी x की, और ये वैल्यू है y की। तो इस कंडीशन का मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल्स टू, ये इज इक्वल टू के बाद y की वैल्यू है 4 व्हेन x इज इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू 4 के बराबर है जब x की वैल्यू 0 के बराबर होगी। हमेशा याद रखिएगा कि ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी होती है ना, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की होती है, ठीक है। और हमारी इस इक्वेशन के अंदर देखें y का डेरिवेटिव लिया गया है, तो y जो है ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है,
और x इसमें जो वेरिएबल है दूसरा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो एक बात याद रखिएगा, इज इक्वल टू के उस तरफ हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू होती है, और ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है ये डिपेंडेंट की, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और इज इक्वल टू के उस तरफ हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, अब आप ये देखें कि हमारी इस प्रॉब्लम के अंदर हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो वाई है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है। तो ब्रैकेट के अंदर हमेशा किसकी वैल्यू होती है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। ठीक है, और इज इक्वल टू के बाद जो वैल्यू होती है यहाँ पे, ये हमेशा होती है डिपेंडेंट वेरिएबल की। ठीक हो गया जी। तो अब आप कंडीशन को पढ़ने की कोशिश करें। इसको पढ़ेंगे कैसे? y ऑफ ज़ीरो इज़ फोर। तो इसमें मुझे बताएं कि y क्या है और x क्या है। ठीक है, तो ये आपका x है और ये आपका y है, और इस कंडीशन का मतलब क्या है कि y इज इक्वल्स टू फोर व्हेन x इज इक्वल टू ज़ीरो। ये इस कंडीशन का की मीनिंग है। ठीक है, एक और कंडीशन दी हुई है आपको, और वो कंडीशन ये रही, y प्राइम ऑफ ज़ीरो इज वन। अच्छा, इज इक्वल टू के उस तरफ या तो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा या डिपेंडेंट वेरिएबल का जो है ना डेरिवेटिव होगा। ठीक है, सिंपल आइडिया है, परेशान नहीं होना। तो ये ब्रैकेट में किसकी वैल्यू है ये आपने हमेशा याद रखनी है। ये ब्रैकेट में एक्स की वैल्यू है, तो x कितना है जी? ज़ीरो। और ये वन किसकी वैल्यू है? ये y की नहीं है, y के ऊपर प्राइम लगा हुआ है, तो y प्राइम इज इक्वल टू वन है। ठीक है, अच्छा दोनों कंडीशन में क्या ख़ास बात है? इन दोनों कंडीशनों में ख़ास बात ये है कि x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। ठीक है जी, इस कंडीशन में भी x ज़ीरो है और इस कंडीशन में भी x ज़ीरो है, और x हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो याद रखें, ये हमारी है डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको के पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो और जो कंडीशन दी हुई है, ये दोनों कंडीशन में एक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो अगर एक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि ये जो प्रॉब्लम है पूरा, इन डिफरेंशियल इक्वेशन और ये साथ में ये जो कंडीशंस हैं, इस पूरे प्रॉब्लम को हम कहेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, और इन कंडीशंस को हम कहेंगे इनिशियल कंडीशंस। तो ये दोबारा चेक कर लें कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होगी। ठीक है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन अलोंग विद साइड कंडीशंस, यानी कुछ कंडीशंस दी होंगे, इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इफ ऑल द साइड कंडीशंस आर डिफाइंड एट यूनिक वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस कंडीशंस में चेंज नहीं हो रहा, जैसे एक्स इसमें भी चेंज नहीं हो रहा, इसमें भी चेंज नहीं हो रहा, तो इस प्रॉब्लम को हम कहेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं ताकि मामला बहुत क्लियर हो जाए। अच्छा जी, एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर टू चेक करें जी। 3y ट्रिपल प्राइम + 5y डबल प्राइम माइनस वाई प्राइम प्लस 7y इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अच्छा ये जो इक्वेशन है ये याद रखिएगा, ये किस ऑर्डर की है? ये थर्ड ऑर्डर की है। ठीक है, अगर इक्वेशन थर्ड ऑर्डर की होगी तो जो कंडीशंस दी होंगी साथ में इस डिफरेंशियल इक्वेशन के, वो तीन होंगे। ठीक है, तो ये हमेशा आप लोगों ने नोट करना है कि द नंबर ऑफ साइड कंडीशंस आर इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा उतनी ही कंडीशन दी होगी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये चेक करें ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस ऑर्डर की है? ये वाली, ये y डबल प्राइम सेकंड ऑर्डर की है, इसीलिए दो कंडीशन गिवन है। ठीक है, तो ये देखें, ये थर्ड ऑर्डर की है तो तीन कंडीशन दी होगी। अब इन कंडीशन को हमने बारी बारी देखना है। ठीक है,
y prime of 1 is 0, y double prime of 1 is equal to 3. अच्छा, अब आपने क्या देखना है, इस कंडीशन में मुझे बताएं ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास उमूमन एक्स होता है, तो ये एक्स की वैल्यू है, तो यानी एक्स हमारे पास है 1 और ये किसकी वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ ये एक्स की वैल्यू है यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, और ये कितनी है 1। इसमें चेक करें ये ब्रैकेट के अंदर एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है 1। ठीक है, हमारा काम इंडिपेंडेंट वेरिएबल से है। इस कंडीशन में भी एक्स 1 है, इस कंडीशन में भी एक्स 1 है, इन तीनों कंडीशनों में एक्स 1 है, यानी एक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू अगर चेंज नहीं हो रही होगी तो फिर हम कहेंगे कि ये प्रॉब्लम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो गई तो फिर ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले एक चीज़ दोबारा समझें, ये थर्ड ऑर्डर की है तो तीन कंडीशन दी हुई है। अब हर एक कंडीशन को समझने की कोशिश करें। इस कंडीशन का क्या मतलब है, वाई ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है वाई की वैल्यू 0 है जबकि एक्स कितना है एन, इसका मतलब है वाई इज इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये कंडीशन किस पे दी हुई है, ये वाई पर नहीं दी हुई है, ये वाई प्राइम पर दी हुई है। तो इसका मतलब है कि वाई प्राइम किसके बराबर है, 0 के, जबकि एक्स की वैल्यू क्या है 1। तो इसे हम यूँ लिखेंगे कि वाई प्राइम इज इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इस कंडीशन का क्या मतलब है, ये डबल प्राइम पे दी हुई है कि सेकंड डेरिवेटिव किसके बराबर है 3 के व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1। तो इन तीनों कंडीशनों में आप देख रहे हैं कि कौन चेंज नहीं हो रहा, एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है फिक्स है। ठीक है, एक्स से मुराद क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू है वो फिक्स है। ठीक है, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू फिक्स हो तो फिर ये प्रॉब्लम कहलाती है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा ये इस, अच्छा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का क्या मतलब है, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस और ये सारी कंडीशंस, इनको हम कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और इन कंडीशंस को हम कहते हैं इनिशियल कंडीशन। अगर आपसे कोई पूछे ये क्या है तो आप कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर आपसे कोई पूछे कि ये क्या है तो आप कहेंगे ये इनिशियल कंडीशंस हैं, और अगर वो आपसे पूछे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन और ये इनिशियल कंडीशंस इनको मिला के क्या कहेंगे, तो आप उनको कहेंगे इनको मिला के कहेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, IVP। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। सर जी, एग्जांपल 3 क्या है कि वाई डबल प्राइम प्लस 16y इज इक्वल टू 0। अच्छा, सबसे पहले ये देखिएगा ये किस ऑर्डर की है, ये सेकंड ऑर्डर की है। तो इसके साथ कितनी कंडीशंस होंगी, दो कंडीशंस होंगी इसके साथ। ठीक है, अब वो कंडीशन हम देखते हैं कि क्या दी हुई है। एक कंडीशन ये दी हुई है कि y एट 0 इज 1, और एक कंडीशन ये दी हुई है कि y प्राइम एट 0 इज इक्वल्स टू 4। तो अब हम वन बाय वन इन कंडीशंस को देखेंगे। इस कंडीशन का क्या मतलब है, इस कंडीशन का मतलब ये है कि वाई की वैल्यू किसके बराबर है 1 के, ये वाई की वैल्यू है, और ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू है एक्स की। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि दिस इम्प्लाइज व्हाट, के वाई बराबर है 1 के व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, और ये y प्राइम पे कंडीशन दी हुई है। इसका क्या मतलब है जी, इस कंडीशन का कि व्हेन, इसका कंडीशन का मतलब है कि y प्राइम बराबर है किसके, ये y प्राइम की वैल्यू ये 4, जबकि x की वैल्यू कितनी है ब्रैकेट के अंदर, y प्राइम इज इक्वल टू 4 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो आप लोग क्या देख रहे हैं कि इन दोनों कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन को देखें ज़रा, इस कंडीशन को, इस कंडीशन में x की वैल्यू क्या है 0, इसमें भी x की वैल्यू क्या है 0, यानी x की वैल्यू फिक्स है।
अगर कंडीशंस के अंदर, ठीक है सिंपल कर देते हैं इसको, ठीक है अगर कंडीशंस के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू फिक्स हो तो वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर फिक्स हो, ठीक है फिक्स हो इन गिवन कंडीशंस, देन द प्रॉब्लम इज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब हम आते हैं जी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है। तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम वो होती है जिसमें, ठीक है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। अच्छा बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में आपके पास क्या होगा, ठीक है इन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है वी हैव ए डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए आपके पास, विद साइड कंडीशंस सच दैट द कंडीशंस आर द कंडीशंस आर नॉट डिफाइंड एट यूनिक वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो हम इसकी मिसालें लेते हैं, ठीक है एग्जाम्पल से ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है तो एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है फर्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर वन। अच्छा जी वाई डबल प्राइम प्लस फोर वाई इज इक्वल टू जीरो, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा बच्चों ये सेकंड ऑर्डर की है, लिहाजा जो सेकंड ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर है, ठीक है तो कंडीशंस कितनी होंगी, कंडीशन मस्ट बी टू, ठीक है तो दो टू कंडीशंस होंगे, टू साइड कंडीशंस। अब जो कंडीशंस दी हुई हैं उनको ज़रा गौर से देखना है आपने, ठीक है। अच्छा एक कंडीशन ये दी हुई है कि y ऑफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू माइनस टू, और एक कंडीशन दी हुई है कि y एट पाई बाय फोर इज इक्वल टू टेन, दो कंडीशन दी हुई हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, इस कंडीशन में ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यू किसकी है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की होती है, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्स है, तो इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। ये ब्रैकेट के अंदर भी वैल्यू किसकी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, ठीक है। फर्ज करें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, तो एक्स की वैल्यू हो गई है पाई बाय फोर। अच्छा ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है। वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस टू। इस कंडीशन का मत, इस कंडीशन की मीनिंग मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस कंडीशन की मीनिंग क्या है कि जी वाई किसके बराबर है, माइनस टू के, व्हेन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। इस कंडीशन के क्या मीनिंग है, ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यू एक्स की है, ठीक है। तो वाई किसके बराबर है, टेन के, व्हेन एक्स इज इक्वल टू पाई बाय फोर। तो इन दोनों कंडीशन में क्या ख़ास बात है, देखें यहाँ x की वैल्यू है ज़ीरो और यहाँ x की वैल्यू है पाए बाय फोर। चेक करें x ज़ीरो है और x पाए बाय फोर है, x हमारा कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
तो इन कंडीशंस के अंदर चेक करें एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ एक्स की वैल्यू ज़ीरो है, यहाँ पाई बाई फोर है। तो अगर एक्स की वैल्यू फिक्स नहीं है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है का क्या मतलब कि वो यूनिक नहीं है, ठीक है, आर नॉट डिफाइंड एट यूनिक वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी एक्स की कोई एक वैल्यू पर डिफाइन नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा वैल्यू पर डिफाइन है। ये y माइनस टू के बराबर कब होगा, जब x ज़ीरो होगा। ये y पाई बाय टेन के बराबर कब होगा, जब x पाई बाय फोर होगा। तो इन दोनों कंडीशन में ख़ास बात क्या है कि इसमें x कुछ और है, इसमें x कुछ और है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूनिक नहीं है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर कंडीशंस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, कंडीशन में आपने सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखना है, वो चेंज हो रहा हो, तो उस प्रॉब्लम को हम कहेंगे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि बात बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। ये जी एक और एग्जांपल लें, वाई डबल प्राइम प्लस फोर वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी ई का मतलब होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये सेकंड ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है, तो इसका मतलब है हमें दो कंडीशन चाहिए, ठीक है, अगर मैं इस प्रॉब्लम को फुली डिफाइन करूं, ठीक है। तो दो कंडीशन दी हुई है, यू वाई एट ज़ीरो इज माइनस टू, वाई एट टू पाई इज इक्वल्स टू माइनस टू, ठीक है। तो ये आपको कंडीशंस दी हुई हैं। अब इन कंडीशंस को जब आप देखते हैं, इन कंडीशंस को जो आपको दी हुई है, तो इस कंडीशन से क्या बात आपको पता चल रही है। पहले कंडीशन में एक्स की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो, और अगले में टू पाई, एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। इसमें एक्स की वैल्यू, अच्छा वाई की वैल्यू नहीं देखनी है आपने, आपने जस्ट एक्स की वैल्यू देखनी है। इसमें एक्स की वैल्यू ज़ीरो है, यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी है, टू पाई है, एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम कहेंगे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों, ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में ये होता है कि जो कंडीशंस दी हुई होती हैं उसमें एक्स की वैल्यू क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है, ठीक है। और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में जो कंडीशंस होती हैं उनमें एक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही होती है, और यही इनमें बुनियादी फ़र्क है, ठीक है, और ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट करें आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, लास्ट एग्जांपल वाई डबल प्राइम प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप जब देखते हैं तो ये किस ऑर्डर की है, सेकेंड ऑर्डर की है, तो दो कंडीशन दी जानी चाहिए, ठीक है। तो दो कंडीशन ये दी हुई है, वाई ऑफ ज़ीरो इज़ ज़ीरो, ठीक है, और y ऑफ फाइव इज़ ज़ीरो। तो आपने क्या देखना है, इसमें x की वैल्यू कितनी है बच्चों, ज़ीरो, और दो कंडीशन दी हुई है ना, एक कंडीशन ये रही, ठीक है, एक कंडीशन ये रही, दो कंडीशन है। इस कंडीशन में x की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। इस कंडीशन में x की वैल्यू यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की क्या है, फाइव है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x की वैल्यू चेंज हो रही है, तो ये जो प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है, ये प्रॉब्लम क्या है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये इनिशियल और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में फ़र्क है, ठीक है, और इंशाल्लाह आप कुछ डिटेल से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इंशाल्लाह कि इन इनिशियल कंडीशंस को और इन बाउंड्री कंडीशंस को डिफाइन कैसे किया जाए, यूज़ कैसे किया जाता है। याद रखें कि बड़ी क्लियर कट बात मैंने कर दी है, अगर बाउंड्री, अगर कंडीशंस के अंदर एक्स चेंज हो रहा है तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, और अगर एक्स फिक्स है तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई भी क्यूरी है तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मुझे इस नंबर पे, और कमेंट भी कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं जल्द से जल्द रिप्लाई कर सकूँ, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ अनासर।